इसको तो स्पीकर मैडम ने रिटन स्टेटमेंट मेंबर ऑफ द हाउस रख दिया है, लेकिन मैं थोड़े उसके मुख्य प्रमुख बिंदु सभागृह के ध्यान के लिए आकर्षित करता हूं। ये जो पूरी अगस्ता वेस्टलैंड का मामला है वो प्रायः दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक ऑर्डर देने के समय तक जो कुछ हुआ और दूसरा ऑर्डर देने के बाद जब 2012 में सीबीआई के न्यूज़पेपर में इसके बाद में जो भ्रष्टाचार का मामले सामने आने लगे उसके बारे में। दूसरा भाग जो है उसमें वापिस जब गवर्नमेंट बदली जून 2014 से उसके बाद में अभी तक का जो मामला हुआ है उसके बारे में। पहले इसमें मैं बोलना चाहता हूं कि 1999 में जब अटल जी की सरकार थी उस समय ये वीआईपी प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर चालू हुआ था। V8 हेलीकॉप्टर पुराने हो गए थे और 2002 में इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मतलब टेंडर इश्यू किया गया था, लेकिन उससे जो निकला 11 वेंडर्स को टेंडर दिए गए थे लेकिन केवल 4 सामने आ गए, उसमें से तीनों ने जो कोट दिया था उसका विश्लेषण किया गया, केवल 2 फाइनल स्टेज तक आ गए और जब एफईटी उसका फील्ड इवेल्यूएशन ट्रायल हो गई तो केवल EC-225 हेलीकॉप्टर पास हो गए इसमें से, और सिंगल वेंडर होने के कारण उस समय के सरकार ने इसको रद्द कर दिया। 2003 दिसंबर में उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ने डिफेंस मिनिस्ट्री को एयरफोर्स को लिखा कि इसमें आपने जो एसक्यूआर मतलब जो रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं वो काफी टाइट है, इसके लिए आप रिक्वायरमेंट्स में 6000 की जो मीटर की सीलिंग लगाई है उसको कम करके 4500 मीटर तक कर दीजिए तो ब्रॉड बेस हो जाएगा, वेंडर ज्यादा आ जाएंगे। उन्होंने उसके साथ ये भी सूचित किया था और ये मैं यहां बिंदु ध्यान में लाना चाहता हूं कि उसके साथ 6000 मीटर तक की सीलिंग विल बी प्रिफरेंशियल लेकिन डिजायरेबल कैरेक्टर लेकिन कंपलसरी कैरेक्टर में मत लाओ, और उसके साथ और एक सजेशन दिया था कैबिन हाइट अगर हो सके तो डिजायरेबल कैरेक्टर में 1.8 मीटर तक बना दे। कई जगह एक इसमें थोड़ा कंफ्यूजन करने की कोशिश है कि 1.8 मीटर और ये 4500 से जो कम कर दिया इसके लिए सब आगे का हो गया, इसके लिए आगे नहीं हुआ। 2005 में एक निर्णय लिया गया, उसमें हाइट उसका सीलिंग हाइट जो था वो 6000 मीटर से 4500 मीटर तक कम कर दिया, जिसके कारण द वेंडर बेस एक्सपांडेड। लेकिन उसके साथ एक नया एसक्यूआर एसेंशियल एसक्यूआर डाल दिया गया जिससे कैबिन हाइट 1.8 मीटर और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, 1.8 मीटर कैबिन हाइट उसमें कंपलसरी एसक्यूआर रिक्वायरमेंट करके डाला गया। जब 1.8 मीटर कंपलसरी एसक्यूआर डाला गया तो ऑटोमेटिकली उससे जो पहले सिलेक्ट हुआ था एफईटी में जो हेलीकॉप्टर पास हुआ था EC-225 ये ऑटोमेटिक रेस में से बाहर निकल गया, इट वॉज वर्चुअली थ्रोन आउट ऑफ द रेस बाय दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ 1.8 मीटर विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 9 मई 2005 बाय UPA-1 गवर्नमेंट। और अगस्टा वेस्टलैंड का AW-101 इसको अंदर प्रवेश दिया गया बिकॉज ऑफ हाइट सीलिंग। तो अटल जी के टाइम हाइट सीलिंग कम करने को कहा था दो वेंडर बेस बड़ी बनाने के लिए, उससे वेंडर बेस बड़ी बन गई लेकिन 1.8 कैबिन हाइट डालने के कारण वेंडर बेस और भी श्रिंक हो गई। तो इसका फाइनली AON एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसरी 3 जनवरी 2006 में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसरी दिया गया जिसमें केवल 6 वेंडर को RFP या टेंडर डॉक्यूमेंट दिए गए। पहले बार 11 वेंडर थे, अभी 6 वेंडर पे नीचे आ गए क्योंकि SQR और रिस्ट्रिक्टिव बनाया गया था 2005 में। और वो AON जब दिए थे उस समय इस
हेलीकॉप्टर परचेस की कीमत 793 करोड़ बताई गई थी। एक चीज इसमें ध्यान में मैं लाना चाहता हूं पूरे सदन के कि ये 793 करोड़ कैसी बना कैलकुलेशन की थी। इसमें 3 हेलीकॉप्टर्स प्रायः लिए गए थे जिसका प्राइस लिया गया था, एक Mi-17 ब्लॉक 5 रशियन हेलीकॉप्टर जिसकी कीमत करीबन 35 करोड़ एस्टिमेट की गई थी, दूसरा S-92 सिरकोस्की का जिसकी कीमत करीबन 60 करोड़ दी थी, और तीसरा AW-101 अगस्टा वेस्टलैंड का जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए दिखाई थी, उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीबन 15 मिलियन यूरो हो जाती, और इसका मिड वैल्यू निकाल के AON में कीमत दिखाई थी पूरे परचेस की 793 करोड़। AON में जो SOC मतलब स्टेटमेंट ऑफ केस दिया था उसमें अगस्टा वेस्टलैंड का प्राइस 100 करोड़ दिखाया गया है, जिसका मतलब 15 मिलियन यूरो। एक पूरा बाद में ये चलते रहा सिलसिला, दो कई कंसेशन दिए गए और वो सब कंसेशन अगस्टा वेस्टलैंड को दिए गए, थोड़े S-92 को भी दिए गए। उसमें से पहला सेट ट्रायल मतलब फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल जो टेंडर डॉक्यूमेंट में या RFP में लिखा था कि ये ट्रायल आपको भारत में करना है, और उसका कारण है इस देश का जो वेदर कंडीशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, सभी टेम्परेचर में जहां ये यूज होने वाला है वहां सभी जगह इसका ट्रायल लेना है। वो जब RFP में लिखा था भारत में होना है, उस समय दोनों वेंडर ने कहा कि ये हम हमारे देश में करेंगे। उसको उस समय के रक्षा मंत्री ने काफी रेजिस्टेंस किया था, और उन्होंने तो लिखा था कि ये बराबर नहीं है, लेकिन बाद में क्यों जाने उनको कन्विंस किया गया, पेपर पे फाइल पे सब लोगों ने लिखा ये करना जरूरी है, उन्होंने बाद में ये UK में करने के लिए सम्मति दे दी। इस प्रकार से FET देश के बाहर टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखे हुए क्लॉज के खिलाफ देश के बाहर हुए। कई लोग कहते हैं कि RFP में अभी भी 16 में जो आया है उसमें बाहर करने से बंधन नहीं है, इज नो बैन, आई एग्री विथ इट, बट इसमें टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा था कि इस देश में करना। एक और अजीब चीज हो गई थी कि टेंडर डॉक्यूमेंट जो 6 वेंडर को दिए गए थे वो अगस्टा वेस्टलैंड इटाली को दिया गया था टेंडर डॉक्यूमेंट, लेकिन जो टेंडर भरा वो अगस्टा वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड AWIL UK इस कंपनी ने भरा। इसके कई लीगल इम्प्लीकेशन है, उसके बाद में भी इसको लीगल इम्प्लीकेशन सामने आए हैं, जिसमें एक में तो ये कंपनी ने अपने जवाब में कहा है कि हमारा और उनका क्या, वो अगर करप्शन में है तो हमको क्यों उसमें खींच रहे हैं। उन्होंने एक जवाब में हम लोगों को देश बाद में जब जवाब दे रहे थे उस समय एक कोट किया है, और दे आर गोइंग टू यूज दिस इन अ लीगल बैटल वेन एवर इट टेक्स प्लेस। लेकिन कभी इसके पहले और उसके बाद में भी मैंने कभी नहीं देखा कि टेंडर डॉक्यूमेंट एक कंपनी को दे जाए और टेंडर कोट करने वाली कंपनी अलग हो जाए। ये एक स्पष्ट चीज से सामने आया, और मैं बोलना चाहता हूं कि AWIL उनके ओन एडमिशन के हिसाब से ये कंपनी केवल कस्टमर रिलेशन और कस्टमर को डिजाइन करने वाली कंपनी है, ये कंपनी OEM नहीं है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है, उनके पास OEM की फैसिलिटी नहीं है, और इन्होंने बाद में ये सब कॉन्ट्रैक्ट अगस्टा वेस्टलैंड को ट्रांसफर कर दिया। इसके पूरे डॉक्यूमेंट हमें इटाली कोर्ट से जब हम सिविल पार्टी बन गए थे उसमें से सब पूरे डॉक्यूमेंट मिले। फैट ट्रायल के बाद में और एक इम्पोर्टेंट कंसेशन दिया गया, ये फैट ट्रायल में एक ध्यान में आ गया कि नॉन VIP हेलीकॉप्टर जो 4 थे 12 में से, 8 VIP हेलीकॉप्टर और 4 नॉन VIP, इसमें 2 कंडीशंस ये कंपनी ये हेलीकॉप्टर कंपनी मीट नहीं कर रही थी, 2 कंडीशन पूरे नहीं हो रहे थे। सिरकोस्की का S-92 जो था उसमें 4 कंडीशन मीट नहीं हो रहे थे। अभी कंसेशन देना है 75 पैरा है DPP का जिससे आप कंसेशन दे सकते हैं। 2-3 बार इसमें पहले कंडीशन टोटली 8-10 क्लॉजेस को रिलैक्सेशन दिया गया है,
लेकिन दो महत्व के मैं बोल रहा हूं जिसमें जिसका इम्पैक्ट ये सिलेक्शन पे हुआ है। इसमें केवल अगस्ता वेस्टलैंड को कंसेशन दिया गया, उनके दो जो कंडीशन मीट नहीं हो रहे थे, पैरामीटर्स मीट नहीं हो रहे थे, उसमें से उनको रिहाई दी गई। लेकिन S92 को ये रिहाई नहीं दी गई। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि 75 से जब आप कंसेशन देते हैं, कभी रेयरली यूज करने वाला क्लॉज है, पावर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू बी यूज इन अ रेयर कंडीशन, यू कैनॉट गिव इट इन अ रिजल्टेंट सिंगल वेंडर केस। ये तो आपने उनको कंसेशन देके उनको सिंगल वेंडर को ही फाइनलाइज कर दिया, और वो अगर दूसरे कंपनी को भी S92 को भी चार उनके कंडीशंस दे देते हैं तो मैं समझ सकता था, लेकिन एक ही कंपनी को दिया और उनको सिंगल वेंडर बना दिया। बाद में CNC हो गई, उसका बेंचमार्किंग प्राइस का हो गया, उसमें आपने प्राइस जो दिखाया वो प्राइस 6 गुना ज्यादा था AON में जो प्राइस दिखाया था उससे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोल रहा है कि ओपन सोर्स से 2010 में जब बेस हेलीकॉप्टर AW101 का मैंने भी निकाला, मुझे भी वही मिला, 18 मिलियन यूरोस दिखा रहे हैं 2010 में, और ये कोट तो 2008 में था, तो 18 मिलियन बेस जब दिखा रहे हैं और AON में उसका बेस प्राइस एयरफोर्स ने 15 मिलियन यूरोस दिखाया था, उस समय CNC बेंचमार्किंग करने वाली जो टीम थी उन्होंने उसका बेस प्राइस 27 मिलियन यूरोस पकड़ा। अभी जब आप सिंगल वेंडर सिचुएशन में ये सब कंसेशन देने के बाद जब आप करते हैं तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि प्राइस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज ये सिंगल वेंडर है, उसको कंपेयर करने के लिए दूसरे का नहीं होना चाहिए था। ये लोगों ने AON में जो प्राइस दिखाया था 100 करोड़, मतलब 15 मिलियन यूरो, वो 27 मिलियन क्यों लिया दो बरस के गैप में, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। इन्होंने 27 मिलियन बेस लिया और उससे बढ़ा के फाइनली 4,800 करोड़ का बेंचमार्किंग कर दिया, मतलब ये एस्टिमेटेड प्राइस। ये डिफेंस के प्रोक्योरमेंट में प्रोसीजर है और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर को थोड़ी बहुत आपको रिलैक्सेशन मिलेगी अगर मल्टी वेंडर है, तो एक वेंडर होगा तो ये बेंचमार्किंग इज एन क्राइटेरिया। और मुझे तो पूरी खुद के लिए गारंटी है कि बेंचमार्किंग करने वालों ने बेंचमार्किंग जो एस्टिमेटेड वो लोगों का टेंडर रहेगा उससे आगे कर दी थी, क्योंकि उन्होंने 6 गुना कर दी AON के हिसाब से, 2 गुना 2.5 गुना समझ सकती थी, 6 गुना। और जब मैं अभी इंफॉर्मेशन ले रहा हूं तो ये हेलीकॉप्टर जो एक्सपर्ट्स है इंक्लूडिंग एयरफोर्स के, वो मुझे बोल रहे हैं ये हेलीकॉप्टर जो कंडीशन में हम लेना चाहते थे उस समय के प्राइस के हिसाब से 180 मतलब 25 या 26 मिलियन यूरो उसके लिए ठीक प्राइस रहता था बेंचमार्किंग के लिए। लेकिन बेंचमार्किंग इतनी हाई क्यों कर दी, उसका कारण सीधा है, जब टेंडर खोले, जब एनवलप खोला, उस समय प्राइस 592 मिलियन यूरो निकला, तो अभी अप्रूव करने में इजी हो गया, बेंचमार्किंग उससे ज्यादा है तो ये कम प्राइस है। फाइनली सब करते करते 556.26 मिलियन यूरो पे प्राइस तय हो गया और ऑर्डर दे दी गई। ये उसका पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, उसमें कंडीशन पेमेंट का था कि आप 15% एडवांस पेमेंट, जो फरवरी 2010 में 8 फरवरी को साइन हुआ था, तो फरवरी 2010 में 15% एडवांस वॉज डिलीवर्ड। मार्च 2011 में 30% एज पर पेमेंट टर्म दिया गया था दोनों का मिलके। पहले का पेमेंट था 84.44 करोड़ और दूसरे का 166 पॉइंट, और दोनों का टोटल 250.32 मिलियन यूरोस पेमेंट कंपनी को चला गया, टेंटेटिवली एस्टिमेटेड एट 45% ऑफ द ऑर्डर्ड वैल्यू कंपनी को चला गया। लेकिन 2012 के फरवरी में जो दूसरा चैप्टर है वो बहुत महत्व का है। पहले चैप्टर में किस प्रकार से ये कंपनी को फेवर करने के लिए अलग अलग क्लॉजेस कैसे चेंज कर दिए हैं, इसका ब्यौरा मैंने अपने रिटर्न इसमें दिया है,
लेकिन मैं क्लियरली अभी बता रहा हूं इसके कि लोगों के ध्यान में आए कि हर एक जगह जब एक कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं मिल रहा था उस समय क्लॉजिस रिलैक्स की। दूसरा ब्यौरा शुरू हो गया फरवरी 2012 में, पहले न्यूज़पेपर में जब आ गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, 2011 नवंबर में इटली में इसके ऊपर केस रजिस्टर हुई थी, लेकिन शुरू में किसी के ध्यान में नहीं आया। 2012 के फरवरी में मामले सामने आ गए, तब सरकार फरवरी 2012 तब सरकार ने एम्बेसी को थ्रू एमईए लिखा। अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ किया है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री में ने कंपनी को कुछ लिखा नहीं। कंपनी को लिखने के सिवो विदाउट दैट दे आस्क्ड एम्बेसी टू फाइंड आउट। जब हम लोग बोलते हैं कभी कभी जोक में, जब आपको कुछ करना नहीं होता है उस समय आप कमिटी बना देते, तो जब इधर मैडम मैं जो बोल रहा हूं पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास इधर है, एम्बेसी को लिख दिया, एम्बेसी से गवर्नमेंट को लिख दिया, गवर्नमेंट ने कहा ये इन्वेस्टिगेशन है, आप इन्वेस्टिगेशन के पास जाइए। इन्वेस्टिगेशन वालों के पास गया, उन्होंने कहा प्रिलिमिनरी चालू है, सीक्रेसी है, इन्वेस्टिगेशन क्या चल रहा है हम आपको दे नहीं सकते थे। ये सब चल रहा था लेकिन कंपनी को किसी ने लिखा नहीं, वो तीसरे पार्ट में बोलता हूं दो, लेकिन कुछ किया नहीं। सेकेंड पार्ट का ए चालू है अभी, तो लिखते गए कंपनी को पूछा ही नहीं। एक्चुअली अगर उस समय दो फरवरी 2012 में इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, और उसके पहले डिफेंस मिनिस्टर 2005 में उन्होंने जब डैनियल बोल के साउथ अफ्रीका के कंपनी ने कुछ घोटाला किया था ऐसा पेपर में न्यूज आ गया था, उन्होंने उनको 3 महीने में ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था 2005 में, यही सरकार के 2005 में। तो ऐसा नहीं है कि पहले से प्रेसिडेंस नहीं है, पहले से इसके बारे में कुछ किया नहीं है, ऐसा नहीं है। 2012 में ये मामला अगर डील अगर रुका दिया गया होता तो आगे के कई चीजें होती ही नहीं। एक तो जब आपको 2012 में मालूम था तो यू शुड हैव स्टॉप द सप्लाईज ऑफ दिस हेलीकॉप्टर्स, इंस्टेड ऑफ दिस दिस गवर्नमेंट डिड नथिंग, डिडंट राइट टू द कंपनी। रिजल्ट वॉज डिसम्बर 2012 3 हेलीकॉप्टर्स वेर डिलीवर्ड 2012 के डिसम्बर में 3 हेलीकॉप्टर वेर डिलीवर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय अस। नाउ दिस हैज फर्दर लीगल कॉम्प्लिकेशन। पहला एक्शन हो गया 12 फरवरी 2013। एक्शन होने का कारण क्या था? ओरसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फिन मैकेनिका वाज अरेस्टेड विद अ वारंट एंड हिज हाउस वाज सर्च्ड। ये जब न्यूज सब दुनिया में फ्लैश हो गई तो विद इन फ्यू आवर्स अवर डिफेंस मिनिस्टर पिक्ड अप ऑल द फाइल, रोट अ लेटर टू सीबीआई एंड ही सेंड इट टू सीबीआई इमीडिएटली। It is an action which was compulsorily forced by an arrest of chief executive of Fin Mechanica. अगर उनको arrest नहीं होता तो कुछ नहीं होता था। उनको arrest करने के बाद एक दिन के अंदर पूरा केस सीबीआई के पास चला गया और सीबीआई के पास प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होने के बाद ये केस 12 मार्च 2013 में केस एफआईआर दर्ज हो गया। 15 फरवरी 2013 फर्स्ट नोटिस ऑफ स्टॉपिंग द डील एंड फर्दर पेमेंट वाज इश्यूड, लेकिन उधर करके उधर ही बैठ गए वापस, आगे कुछ हुआ नहीं। देर वेर ओनली नोटिस बीइंग एक्सचेंज। फाइनली चार अभी पार्ट थ्री नहीं पार्ट टू ए है अभी दिसंबर 4, 2013
The AWIL, that is Augusta Westland India International Limited, issued a notice to Ministry of Defense that they intend to appoint Justice Sri Krishna as their arbitrator, and they asked us to appoint our arbitrator within 30 days. Matter was sent to learned AG. उन्होंने एडवाइस कर दिया कि 30 जो आर्बिट्रेशन क्लॉज आता नहीं इसमें तो भी उन्होंने जब डिमांड किया है इट विल बी इन द इंटरेस्ट दैट हम लोग भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो और एज पर द क्लॉज इट हैज टू बी डन इन 30 डेज 30 दिन में मतलब 3 जनवरी 2014 के पहले आर्बिट्रेटर आपको अपॉइंट करना होगा और वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के साथ या उसके पहले प्रिफरेबली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना होगा. So it was an fait accompli situation where the contract had to be terminated because of legal position on 1st January 2014. Again, not a proactive step. It was forced action. तब तक कुछ नहीं किया था. उसके बाद में termination automatically. Termination automatically resulted into. एक्शन जो हो गया उसके साथ बैंक गारंटीज भी रिवोक करनी होगी इसका भी एडवाइस दिया गया था तो वो रिवोक हो गई. उसमें जो परफॉर्मेंस गारंटी थी 27.81 मिलियन यूरोज और वारंटी की गारंटी जो थी वो भी 27.81 मिलियन यूरोज विच इज 5% ऑफ द ईच 5% दोनों मिलकर 10% जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस फेलियर के कारण वो दोनों एनकैश हो गई. 3 करोड़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में इंटीग्रिटी पैक के ऊपर पैसा गारंटी दी गई थी वो भी रिवोक्ड हो गई. लेकिन 250.32 मिलियन यूरोज विच वेर गिवन एज एन एडवांस वेर नॉट अलाउड टू बी पेड बाय इटालियन कोर्ट इन मिलान. नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द बैंक गारंटीज वेर एनफोर्सेबल इन द ड्यूश बैंक मिलान वाई नॉट इन इंडिया बिकॉज हमारे एक क्लॉज है सभी जो बैंक गारंटीज आती हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ रशिया एंड वन और टू केसेस वेयर देयर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स वी वांट दिस बैंक गारंटीज टू बी एनकैशेबल एंड काउंटर गारंटेड बाय एन इंडियन बैंक. ये मिलान में गारंटी थी लेकिन मिलान में जब कोर्ट में हम गए और कोर्ट में हमने आर्ग्यूमेंट कर दिया उस समय द कोर्ट मिलान कोर्ट मिलान कोर्ट में जब आर्गुमेंट कर दिया तो कोर्ट ने कहा ये गारंटी दोनों गारंटी मिलके आपको 199.62 मिलियन यूरोज आपको मिल सकते हैं इसके ऊपर का अमाउंट 50.7 मिलियन यूरोज प्रोपोर्शनेट टू द 3 हेलीकॉप्टर्स एक्सेप्टेड बाय यू विल नॉट बी पेड. सो ये गलत है कि एडवांस हमने पूरा रिकवर कर दिया उसमें से 50.7 मिलियन यूरोज अभी भी बैंक गारंटी के वहां अटके हुए हैं जो कोर्ट ने अलाउ नहीं किया. जो टोटल अमाउंट 255 मिलियन प्लस समथिंग मिलियन यूरोज आया है उसमें 10% परफॉर्मेंस फेलियर का है वो यहां एडवांस के अगेंस्ट काउंट नहीं कर सकते. स्पीकर मैडम ये होने के बाद भी आगे पीछे फाइल चलती रही फाइनली 12 मई को 2A एंड हो जाता है जब एक दिन में 12 पेज का नोट लगा के डिफेंस मिनिस्टर फाइनली अप्रूव्ड टू कीप ऑन होल्ड विच ही कुड हैव डन इन फरवरी 2012. सभी प्रॉब्लम आती है किस डेट को 12 मई 2014 लास्ट डे ऑफ द पोलिंग एट पेजिस नोट ऑफिसर का है उसके बाद में सबके पास 12 तारीख को पास होके वापिस 12 तारीख चला गया. मुझे लगता है तब तक एग्जिट पोल भी आए होंगे. 2A खत्म हो गया लेकिन 2A में और एक इम्पोर्टेंट चीज है सीबीआई के पास जब 12 तारीख सीबीआई ने जब 12 मार्च 2013 में केस दर्ज की थी उसकी कॉपी मांगने के
बावजूद दिसंबर तक एनफोर्समेंट डायरेक्टर को भेजी गई नहीं थी, और जब दिसंबर में भेजी गई उस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने वो कहां डाल दी मुझे मालूम नहीं। डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, अपने एनवलप में कि अपने ड्रॉअर में किधर डाल के लॉक की गई होगी। और जब तक एनडीए की सरकार ना आ जाए और जेटली जी जब तक डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ना बने, 3 जुलाई 2014 को फाइनली एनफोर्समेंट डायरेक्टर रजिस्टर केस अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने उसके बाद में कंटिन्यूअस एक्शन लिए हैं, 11 करोड़ अटैच भी किए हैं, केस कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग की डाली गई है, आईडीएस के गौतम खैतान और कई लोगों को उसमें उनके खिलाफ ऑफेंस है, प्रॉपर्टीज जो मिशेल क्रिश्चियन है उसकी प्रॉपर्टीज देश में अटैच की गई है, करीबन 11 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू की गई है, उनके खिलाफ इंटरनेशनल इंटरपोल को लेटर रोगेटरी गए हैं, अभी तक जो सीबीआई के पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट करीबन एक इटालियन कोर्ट से जो डॉक्यूमेंट आए 1,21,000 और कुछ पेजेस, मतलब 22,000 से कम इतने पेपर्स आए हैं, उसमें से केवल 42,000 एन ऑड फिगर इज इंग्लिश डॉक्यूमेंट, उसमें वो इंग्लिश के साथ 57 पेजेस ऑफ हिंदी डॉक्यूमेंट भी है, मतलब यहां से किसी ने चुरा के दिए होंगे। अभी बाकी के डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना ये इजी नहीं, आई ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम, दे आर लकी आई एम नॉट, आई कुड नॉट गेट अ प्रॉपर ट्रांसलेटर ये फ्रॉम इटालियन टू इंग्लिश इंग्लिश, सो आई इवन टूडे ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन अभी भी हमारे पास पूरा नहीं है, पार्ट पार्ट है, तो वो ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने के बाद हम लोगों ने सीबीआई और ईडी को कहा है कि इसमें आप बराबर पकड़ो। एक चीज ध्यान में आती है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड को ऑर्डर जाने के लिए सब चीजें की गई, उसके एस्टिमेटेड जेन्युइन कॉस्ट के मोर देन ट्वाइस रेट में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसके लिए जो कुछ रिलैक्स करना था वो रिलैक्स किया गया, और जब ध्यान में आ गया ये चोरी जब ध्यान में आ गई उस समय अरे क्यों चिल्लाते हो, उस समय वो कंपनी के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं की, जब तक कार्रवाई करना इट वॉज मेड ऑलमोस्ट कंपल्सरी बाय सर्कमस्टेंसेस दैट यू एक्ट, देन ओनली द एक्शन वॉज टेकन, वायरस दिस गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड एक्शन, वी हैव ऑलरेडी टेकन एक्शन, और मुझे गारंटी है अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दे आर वेरी स्मॉल पीपल हु मस्ट हैव, ऐसे हिंदी में ही कर रहे हैं, हिंदी में कहावत है कि धोते गंगा में हाथ धो लेना, ऐसी कुछ तो कहावत है, बहती गंगा में हाथ धो के लेना, त्यागी वो या खैतान वो, इन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया है, बहती गंगा कहाँ जा रही है ये ढूंढने के लिए मैंने इस ईडी को बताया, और वो कहाँ जा रही है ये हाउस में स्पष्ट हो गया उस दिन राज्यसभा में, मैंने पहले कहा था, हमारा मराठी मध्ये एक है जो कोण आळू, मराठीतला आळू, हिंदीतला आळू नाही, जो आळू तो खातो भाकरवडी क्या, जिसका जो खाता है मराठी में ये, उसको हिंदी में क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं, मराठी के आलूला, ये हिंदी आलू नहीं, हिंदी आलू बताता है, अरबी का पत्ता होता है, अरबी का पत्ता होता है, आप ट्रांसलेट करिए, मराठी में कहते हैं जो आलू आलू की भाजी खाता है उसका ही गला खुजता है, अरबी अरबी का पत्ता, अरबी अरबी का पत्ता,
ओके आरडी का। अभी किसका किसका गले में क्या खुजली आ रही है वो समझ जाती है, नहीं तो मैंने किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं किया है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, और जो हर एक डेट के साथ फिगर के साथ मैं जो बोला हूँ वो सब आपके जो रिकॉर्ड रखे हैं उसमें लिखा हुआ है। आई एम नॉट रिफर टू देम बट आई कैन वाउच ऑन द फिगर्स विदाउट इवन रिफरिंग टू द पेपर। इट इज अवर एंडियर दैट वी विल टेक एक्शन। वी हैव पुट देम ऑन होल्ड। डिफेंस मिनिस्ट्री इनिशिएटिंग प्रोसीजर टू ब्लैकलिस्ट देम। और ब्लैकलिस्ट करने के बाद अगर हमारी स्लोगन है तो इनको चिंता क्या करने की जरूरत है, ये चिंता कर रहे हैं। अगर स्लोगन है तो गंगा कहाँ पहुंच रहे है समझेगा नहीं किसी को, तो इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता क्यों पैदा हो गई, क्योंकि गंगा कहाँ जाती है इनको मालूम है। शुक्र मैडम, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। वो तालियां बजाते रहे हम देखते रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए है। तालियां बजाना आपके लिए भी है। 50 साल से यही होते रहा। 50 साल से यही होते रहा। अरे तुम तो बोलने वाले 15 साल भी वही बोलते रहो। 100 साल तक तुम बोलते रहो।